एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कल से स्टार्ट करनी है, उसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको याद होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी कि क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, और क्या जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों को इक्वल में क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है दो नंबर्स का। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले को ही हम लोगों को प्रूफ करने को कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आगे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी आपको क्वेश्चन में मिल रहा है लेकिन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड थर्ड से ज्यादा इजी है, तो जब मैं आपको थर्ड अगर अच्छे से सिखाऊंगी तो फर्स्ट और सेकंड आपसे इजी बन जाएगा। तो देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या है। मुझे दो नंबर दिए हैं, दैट मीन्स कि मुझे एलसीएफ और एचसीएफ कहीं ना कहीं गिवन है, वो अभी हम लोगों को गिवन नहीं दिख रहा है जब तक हम लोग इसका एलसीएफ और एचसीएफ नहीं निकालेंगे। फिर उसके बाद मुझे इसी फॉर्मूले का यूज करके एक फाइनल नंबर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर फिक्स किया है, 1136 दिया है, 336 दिया है, और हम लोग नेक्स्ट नंबर क्या है 54। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं 336, इसका हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे, पीछे मैंने आपको बताया था कि ऑड और इवन वैल्यू इसका बताया था, जब भी इवन वैल्यू होती है तो हम लोगों को डिवाइड भी इवन से ही करना होता है, और जब ऑड वैल्यू होती है तो हम लोगों को उस वैल्यू की कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करना होता है। अगर 5 दिया है लास्ट में तो हमेशा 5 से ही डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि उससे आंसर जो है वो बहुत ईजीली आता है और बहुत सही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट में क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम लोग 6 को देख कर क्या करेंगे, क्या नंबर हो जाएगा 2, 2 से करके 2 हमारा इवन वैल्यू होती है, कितनी बार जाएगा 3 1 3 2 1 2 कितना बचा, 1 बचा, 1 हम लोगों ने किसको दिया पास वाली वैल्यू को, तो वो कितना बनता है 13। अब 13 आता है क्या 2 के टेबल में, नहीं आता है, लेकिन कितना आता है 12 आता है, कितनी बार 6 टाइम। अब यहाँ से भी एक वैल्यू बच गई है, वो वैल्यू जो मैंने आगे उसकी पास वाली वैल्यू को दे दी, तो अब ये 6 के साथ कितना बन गया, 1 से मिल गया तो 16 बन गया, तो 16 आता है, हाँ 8 टाइम्स आता है। फिर पीछे आपको फिर से आगे 8 दिख रहा है, 8 कौन सी वैल्यू है, इवन वैल्यू है, तो फिर से मैंने 2 से स्टार्ट किया। इसी तरह से आपको कंटिन्यूसली चलते रहना है, कितना आ जाएगा 2 4 16 और 2 4 8, फिर से 2 से होगा ये 2 4 8 और 2 2 4, फिर से 2 से होगा 2 4 2 2 4 और 2 1 2। लेकिन अब आप देखिए आप क्या मिल चुका है, 21 मिल चुका है, 21 होगा क्या काउंट, 21 के पीछे आपको 1 इवन वैल्यू दिख रही है या नहीं, तो यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू लेनी होगी कि जो आपका 21 उसकी टेबल में आ रहा हो। तो आप देखिए क्या आ रहा होगा, एक तो 3 से इजीली ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्ट 7 से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स आता है। अब आप बताइए कि 7 किसकी टेबल में आ रहा होगा, 7 या 3 की टेबल में आ रहा है, नहीं 7 सिर्फ और सिर्फ 7 की टेबल में आता है, 7 7। तो लास्ट में मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, इस तरह से मेरा ये एक पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 54, तो 54 देखते हैं, पीछे इवन वैल्यू है तो किससे काउंट कर लूंगा, 2 से कर लेती हूँ, कितनी बार जाएगा 2 2 4, लेकिन 2 2 4 है, यहाँ पर 5 है, इसके पास से कितना मिला हम लोगों को 1, वो 1 कहाँ पर गया, पास वाली वैल्यू के पास, तो अब ये कितना बन गया है, 14 बन गया है, और 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स। अब देखिए लास्ट में तो आपको मिल गया 7, अब मैं क्या इसको 2 से स्टार्ट कर दूँ, नहीं होगा 2 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर मैम कौन सी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 7 दे रखा है, जो 7 किसमें आता है,
साइड में दे रखी है वो सारी वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करके बस सिर्फ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कितनी बार अगेन टू एंड टू। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ की सारी वैल्यू लिख दी, अब उसके बाद वो मल्टीप्लाई में थ्री लिख टू इंटू थ्री इंटू सेवन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या किया है मैंने, मैंने किया ऐसे निकाला था, तो ऐसे ही मैं जितनी भी मेरी घर की वैल्यू दे रखी थी और इसकी वैल्यू दे रखी थी उन सबको मैंने मर्ज कर दिया है, मतलब सबको मैंने मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के साथ साथ आपको बीच में मल्टीप्लाई भी लगाते जाना है, जब भी आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको वापस से पता है क्या मिल जाएगा, जो इन दोनों वैल्यूज का आंसर है वही मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये वैल्यू जिन्हें तो ब्रेक कर करके निकाली है। तो यहाँ पर आपको ऐसे मिल चुका है। अब आप देखिए कि ऐसे कैसे निकलना है, ऐसे क्या होता है, यहाँ पर समझो 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने कैसे किया 1 टाइम
क्या मिलेगा आपको 18144। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्रूफ हो रहा है कि जब मैंने एलसीएम निकाला और फिर मैंने एचसीएम निकाला और जब उसका मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल हो रहा था। जो मुझे क्वेश्चंस दिए थे, जो मुझे दो वैल्यूज दी थी उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा था वही मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सॉल्यूशन किया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब वही चीज उन्होंने बोली है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो चुका है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, इस चीज को बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन की किस तरह से तुमने एक वैल्यू को पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर पास उतने पार्ट्स में उसको ब्रेक किया है। क्या क्या हमने एक वैल्यू को ले लेके कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो सिमिलरली यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन वही है कि जो भी वैल्यू दी जाती थी उसको आपको ब्रेक करना है। तो 12 को ब्रेक करने हम लोग सबसे पहले कितनी बार जाएगा 12 काउंट करके देखिए, आपको याद आना चाहिए इस तरह से। रफ कॉपी में आपको पीछे इस तरह से काउंट करना होगा कितने बार जाएगा। इवन वैल्यू से तो 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6। अब देखिए आप 3 आ गया तो आप कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे 2 × 2 × 3 मुझे मिलेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, 15 को भी तो करना है, 15 को कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो सीख रही है और वैल्यू दिख रही है। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि अगर यहाँ पर 5 भी आपको दिख जाए तो आप 5 से भी कर सकते हैं, तो हम लोग 5 से ही करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हुए तो यहाँ देखिए आप 5 3 15 होता है तो कितनी बार ब्रेक हुआ है 15, 5 × 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। अब उसके बाद देखिए 15 के बाद हम लोग देखते हैं कौन से वैल्यू है, 21 किसकी जगह पर आता है, 3 की कितनी बार, 3 7 जब, अब 7 कितनी बार आता है, 7 के टेबल में तो 1 ही आता है तो 21 को कितनी बार में ब्रेक कर दूं, 3 × 7। क्लियर हुआ, इस तरह से ब्रेक किया है। अब यहाँ देखिए फाइंड करना है एलसीएम पर हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि एलसीएम निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा और जो भी वैल्यूज बची रहेगी वो हम लोग वहां पर लिख देंगे, वो हम लोग लिख देंगे एलसीएम में। तो आप देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आपको कॉमन दिखेंगे, क्या आपको 2 यहाँ पर दिख रहा है, नहीं 2 तो कोई नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए 3 दिख रहा है या 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, मतलब 3 जो है वो मुझे तीनों ही वैल्यूज में मिल रहा है तो कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, मैं रास्ते बोल सकते तो 3 जो है वो कॉमन फैक्टर बन रहा है। क्लियर हुआ, किस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, 21 में भी 3 दिख रहा है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले लिया, 3। फिर अब जो बची हुई वैल्यू थी वो तो आपने बोला था कि एलसीएम में पुट करनी है, तो हम लोग जो भी सारी वैल्यूज बची है वो सारी एलसीएम में लिख देते हैं 3। अब आप क्या कीजिएगा, कि 3 मैंने एक ले लिया है तो यहाँ से एक 3 मुझे कहीं से भी कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सारी वैल्यूज काउंट करते हैं तो वही होती कम ज्यादा नहीं होती वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ की मैंने सारी वैल्यू लिख ली 2 × 2 × 3। अब एक यहाँ से लिख लेती हूँ 5 × 3। अब एक काम करते हैं 21 में से 3 को नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि वो 3 तो मैंने याद नहीं किया, चाहे आप यहाँ से कम कर दीजिए, यहाँ से कम कर दीजिए, यहाँ से कम कर दीजिए, पर आपको याद रखना होगा कि आपने कौन से 3 को कम किया है। मैं यहाँ लास्ट वाले 3 को कम कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ डायरेक्ट 3 को हटा कर कर दिया 7 क्योंकि यहाँ का 3 जो है वो यहाँ से मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से मैंने एलसीएम और एलसीएम जो है वो निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हुआ, आप चाहें तो ये 2 को
8, 9 और 25 वाला, ठीक है। उसी तरह से अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 3065 इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने ही बताया था कि ये तो आपका फॉर्मूला है, इन्होंने आपको फॉर्मूले को ही सॉल्व करने को दे दिया है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर ला दें। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ ये देखिए आपको दिया है 306 इनटू 456, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए आपको क्या दिया है, एलसीएफ की वैल्यू तो हमने आपको गिवन कर रखी है, क्या दी हुई है एलसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू उन्होंने दी है 9, तो एलसीएम आप एलसीएम से लिखिए और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए। ये देखिए क्या किया है मैंने, एलसीएफ की मैंने वैल्यू एक बार भी देख रखी थी 9, क्वेश्चन में बस वही वैल्यू पुट की है, इंटू 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको इन्होंने फाइंड करने को क्या दे दिया है, एलसीएम दिया है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी मल्टीप्लाई की वैल्यू होती है उसको हम लोग अकाउंट में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ देखिए एलसीएम ने किया 306 इंटू 657 डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया है 9 को, आया समझ में, अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो ये जो 9 है उसको मैं नीचे बेस पे भेज दूंगी। तो यहाँ से आपको जो आंसर निकल कर आएगा कैसे आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई आप सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड में कर दीजिएगा किससे, 9 से, तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको 2238, ये क्या मिलेगा आपको, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 2238। तो इसी तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ है, किस तरह से मैंने सॉल्व किया आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, और जो होमवर्क दिए हमको अच्छे से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।